अटेंडेंस शीट एक ऐसा शीट या रिकॉर्ड है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के डेली अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हम एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। शीट बनाने से पहले हम देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। यहाँ डेट का कॉलम है, यहाँ सारे डेट्स हैं, डे वाइज 1st जून, 2nd जून और इस तरीके से 15 तक मैंने इसे प्रिपेयर किया हुआ है। जब मैं यहाँ मंथ चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सारे डेट्स चेंज हो चुके हैं और डेट्स के साथ साथ यहाँ डेज भी चेंज हो चुके हैं, यानी कि ये शीट फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगर मैं यहाँ पे मंडे को इंसर्ट करता हूँ प्रेजेंट, तो ये हमारा शो करता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है वो उस दिन प्रेजेंट था। अगर हम संडे को इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। संडे को जब मैंने प्रेजेंट इंसर्ट किया तो हमारा एरर आ जा रहा है इनवैलिड ऑफ डे, यानी कि ये शीट टोटली ऑटोमेटेड है और ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि गलती हो सके एम्प्लॉय से। यहाँ पर इस शीट में सबसे पहले है सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय कोड, उसके बाद डेट्स हैं डे वाइज और यहाँ डेज हैं सारे। तो अब हम चलते हैं एक न्यू टैब में, न्यू टैब हम क्रिएट करते हैं और वहां पर हम अपना अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद हम नेम इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हम यहाँ डेट इंसर्ट करेंगे। हम कोई भी डेट इंसर्ट कर लेते हैं, 1st 22, यानी कि हमने यहाँ इंसर्ट कर लिया है 1st Jan 22। हम इसे फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ हम इसे चूज कर लेंगे डेट और मंथ, इसे हम कर देंगे ओके। हमारा ये देखिए यहाँ फॉर्मेट हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड कॉलम में, इक्वल टू या प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे हम, +1 करेंगे, एंटर। ये हमारा सेकंड जैन आ गया। इसे हम ड्रैग कर देंगे जहां तक हम चाहते हैं। फिलहाल मैं इसे 15 तक कर लेता हूं। ये हमारा 15 जैन हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेता हूं, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। इसे मैं बीच में कर लेता हूं सारी चीजें। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूं ताकि ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। टाइम्स रोमन मैंने इसे कर दिया है। ये हमारा हो गया। मैं यहाँ पर बॉक्सेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमारा ढंग का लगे। ये देखिए यहाँ अब है डे इंसर्ट करने का। डे इंसर्ट करने के लिए अगर हम मैनुअली इंसर्ट करें तो जब भी हमारा डेट चेंज होगा तो डेज चेंज नहीं होंगे। उस केस में हमें हर मंथ डेज भी अपडेट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं वो है इक्वल टू टेक्स्ट TEXT ब्रैकेट। हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, DDD, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और हम इसे एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा डे जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। हम इसे एंड तक ड्रैग कर देंगे। ये हमने ड्रैग कर दिया। हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर मैं 1st Jan को चेंज करता हूँ और जैन को चेंज करके अगर मैं अगस्त कर देता हूँ तो हमारा 1st Jan को सैटरडे था। हम देखते हैं 1st अगस्त हमारा यहाँ मंडे हो चुका है, यानी कि ये जो हमारा डेज जो हमने ऑटोमेटेड किया ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ये जो सीरियल नंबर है हम इसे मर्ज कर लेते हैं, इसे भी हम मर्ज कर लेते हैं। ये जो हमारा सेल है इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। हम यहाँ भी डेट इंसर्ट कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। 1st 1st या फिर 1 1 22, हम इसे एंटर कर देंगे। हम इसे भी फॉर्मेट कर लेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद हम यहाँ डेट और मंथ सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ जाएंगे नीचे की तरफ, हम यहाँ मंथ और ईयर सेलेक्ट करने वाले हैं। हम इसे करेंगे ओके।
ये देखिए ये हमारा चयन आ गया। हम यहाँ कुछ कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये विजिबल हो। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारा जैन 22 का अटेंडेंस शीट है। यहाँ मैं बॉर्डर इंसर्ट कर दूंगा। ये जो हमारे सारे सेल्स हैं इसे मैं आपस में मर्ज कर दूंगा ताकि मैं यहाँ कंपनी का नाम इंसर्ट कर सकूं, नवी मुंबई ब्रांच, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ कलर इंसर्ट कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। ये हमने कलर इंसर्ट कर लिया। अब हमारा पता चल रहा है कि ये नवी मुंबई ब्रांच का हमारा अटेंडेंस शीट है। अब हम आएंगे यहाँ कि हमने यहाँ पर जो इंसर्ट किया है वो किस रीजन से हमने इंसर्ट किया है। उसका दो रीजन है, एक तो हमारा ईयर विजिबल हो और मंथ विजिबल हो, लेकिन हमारा यहाँ मंथ है और हर बार जब हम मंथ के बिगिनिंग में इसे अपडेट करेंगे तो यहाँ भी अपडेट करना होगा और यहाँ भी अपडेट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट डेट है हमारा मंथ का यहाँ क्लिक करते हैं, इक्वल टू क्लिक करते हैं और ये जो हमारा डेट है यहाँ माउस को पॉइंट कर देंगे, रख देंगे और हम एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो है हमारा डेट, फर्स्ट डेट, वो इससे कनेक्टेड हो गया है। अभी हमारा है फर्स्ट जैन, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फेब सेकंड और ये देखिए फेब 22 और यहाँ मेरे सारे डेट्स और डेज हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। सीरियल नंबर मैं इंसर्ट कर लूंगा। फिलहाल हम काफी कम डेटा रखते हैं, 10 तक हम मैनेज कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। नेम हम कुछ इंसर्ट कर देते हैं, बी सी, ये हमने इंसर्ट कर लिया। एम्प्लॉय कोड 1, 2, 3, 4। अब ये शीट नियरली रेडी है लेकिन ये अभी भी ऑटोमेटेड नहीं है। ये नॉर्मल सा शीट है जो कि काफी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हम जो चीज अभी करने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़ा गौर करना होगा। कुछ चीजें हम यहाँ और इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे प्रेजेंट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट था। यहाँ हम कर लेंगे एब्सेंट। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे एक फॉर्मूला ताकि हमारा मंथ में टोटल एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है वो काउंट हो सके। प्लस काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हम ये फर्स्ट से लेकर यहां तक हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, पी लिखेंगे क्योंकि हम इस शीट में प्रेजेंट के लिए पी इंसर्ट करने वाले हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर करेंगे। ये यहाँ जीरो शो कर रहा है। सेम चीज हम एब्सेंट के साथ करेंगे, प्लस काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हम ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर कर लेंगे। अब हमारा यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है। ये प्रेजेंट मैंने बाय मिस्टेक यहाँ डाल दिया है तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और प्रेजेंट यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। इसे हम आपस में मर्ज कर लेते हैं एंड तक। प्रेजेंट हम इसे भी मर्ज कर लेंगे, ये हमने इसे मर्ज कर लिया। हम इन दोनों में भी टेबल डाल देंगे। हमारा ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो चुका है। यहाँ जीरो शो कर रहा है, हम डाल के देखते हैं। जब हम यहाँ पी डालते हैं, यहाँ पी डालते हैं तो ये देखिए हमारा टोटल काउंट हो रहा है प्रेजेंट। यहाँ हम जब ए डालते हैं, ए ए, तो आप देखेंगे यहाँ हमारा एब्सेंट भी काउंट हो रहा है प्रॉपरली। हम यहाँ माउस को रखेंगे और इसे हम ड्रैग कर देंगे एंड तक ताकि ये हमारा जहाँ भी हम शीट में पी या फिर ए हम इंसर्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारा काउंट कर ले। ये देखिए यहाँ हमने एक पी और ये एक ए इंसर्ट किया है तो इसने हमारा ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया है। अब जो चीज़ यहाँ देखने वाली है वो ये है कि जब हम संडे को भी इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा आ रहा है, हमारे पास कोई एरर अलर्ट नहीं आ रहा है। अब हम एक फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे जिससे हमारा संडे में अगर एंट्री हो तो हमारा एरर अलर्ट आ जाए। उसके लिए हम फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे, डे के जस्ट नीचे
हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ आएगा ऑप्शन न्यू रूल का, वहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्लासिक ताकि हम फॉर्मूला इंसर्ट कर सकें, ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ जो फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे वो है इक्वल टू, हम डे को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा फर्स्ट डे रहेगा मंथ का, उसके बाद हम देंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा संडे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये जो हमारा डॉलर का साइन जो बिगिनिंग में है हमारा इक्वल टू के जस्ट बाद, उसे हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट करने का है सेल कि हम कलर कौन सा इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद हम जाएंगे फिल पर, फिल पर यहाँ ऑप्शन आता है कलर फिल करने का, हम यहाँ रेड कलर चूज करेंगे। आएंगे हम फॉन्ट पर, फॉन्ट यहाँ कलर ऑटोमेटिक है, हम इसको येल्लो कर देंगे और हम इसे कर देंगे ओके, फिर से हम ओके करेंगे, ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर माउस को क्लिक रहने देंगे, हम जाएंगे पेंटर पर और पेंटर से हम पूरे शीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, जितने शीट में हमारे डेज हैं या फिर डेट्स हैं। हम अब माउस को रिलीज करेंगे और ये देखिए संडेज को हमारा रेड हो गया है। अगर हम यहाँ मंथ चेंज करते हैं, मंथ को अगर हम जून कर देते हैं यानी सिक्स कर देते हैं, तो फेब से देखिए हमारा जो संडे बाद में था वो पहले आ गया। अगर मैं इसे अगस्त कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा संडेज आगे चला गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो देखें कि हमारी एंट्री हो सकती है कि नहीं। मैंने यहाँ एंट्री किया प्रेजेंट, तो अभी भी हम यहाँ एंट्री कर पा रहे हैं, यानी कि ये शीट अभी भी फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं हुआ है। हम वापस आएंगे फर्स्ट डे पर, यानी कि मंथ के फर्स्ट डे पर या डेट पर, यहाँ माउस को रखेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर डेटा में, डेटा में क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, यहाँ ड्रॉप डाउन है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हमारा आएगा एनी वैल्यू का ऑप्शन, हम ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, हम जाएंगे कस्टम में, कस्टम में जाने के बाद यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करने का हमारा ऑप्शन आ गया। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे इक्वल टू फर्स्ट डे हम सेलेक्ट कर लेंगे मंथ का, उसके बाद हम जो साइन देंगे वो देंगे लेस देन ग्रेटर देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एस यू एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हम यहाँ ई के बाद एक डॉलर इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से हम कॉमा रिमूव कर देते हैं। यहाँ हमें करना है ओके, लेकिन ओके करने से पहले हमें यहाँ एरर अलर्ट भी चाहिए, हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हम टाइटल दे देंगे इनवैलिड और यहाँ हम दे देंगे ऑफ डे, या फिर हम जो भी चाहें यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ संडे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे कर देंगे ओके, और ये जो हमारा जहाँ हमने अभी डेटा वैलिडेशन किया वहाँ हम क्लिक करके उसे नीचे तक लाएंगे ये, और ये हमने इसे पूरा एंड तक कर दिया है, यानी कि ये जो फॉर्मेटिंग हमने किया ये पूरे शीट में हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इंसर्ट करके देखते हैं कि हम इंसर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पी मैं जिस इंसर्ट करता हूँ ये हमारा काफ़ी अच्छे से हो जा रहा है। हम अब देख लेते हैं संडे में हम इंसर्ट कर पाते हैं कि नहीं। हमने पी जब इंसर्ट किया संडे में और हमने एंटर किया तो हमारा एरर मैसेज आ गया इनवैलिड ऑफ डे, यानी कि हम यहाँ कोई भी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। आप इसी तरीके से सैटरडे में भी कर सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडेज को वीक ऑफ होता है। तो देखा आपने ये कितना आसान और इंटरेस्टिंग था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।